सो हे गाइज, अगर आप सोच रहे थे 45,000 रुपीज़ या फिर 50,000 रुपीज़ के अराउंड एक लैपटॉप लेने का, तो आपके दिमाग में एक डाउट तो पक्का आया होगा कि आपको AMD का Ryzen 3 5300U लेना चाहिए या फिर Intel का कोर i3 11th Gen। सो हाँ गाइज, आज की वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट होने वाला आपके लिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और आपका भाई तो है गाइज एकदम आराम से समझा देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड में आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा बेटर प्रोसेसर है। और हाँ गाइज, छोटा सा काम करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइज, आप लोग सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए गाइज, बात करते हैं इन्हीं दो प्रोसेसर के बारे में। सो गाइज, शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 5300U वर्सेस Intel का कोर i3 11th Gen का 1115G4 वाला प्रोसेसर। तो सबसे पहले गाइज हम लोग देखेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो गाइज, यहाँ पे Ryzen 3 में आपको 7nm की यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिलती है और वहाँ पे 10nm की दी गई है। 64-bit दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रोसेसर के ऊपर। रिलीज डेट्स वगैरह सारा कुछ मैंने आपको शो कर रखा है और यहाँ पे सॉकेट्स वगैरह आप देख सकते हो। तो गाइज, सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पे थे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या फिर पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन गाइज, यहाँ पे सॉकेट के बारे में बात करेंगे तो गाइज एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में क्लियरली बताया, Intel वर्सेस AMD इन डिटेल जानना है तो वो वीडियो का लिंक यहाँ पे, उसको देखना फिर इसको देखना, ज्यादा समझ में आएगा। सो गाइस, सॉकेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर Ryzen है ना पुराने सॉकेट यूज करता है, जिसके कारण आप डे बाय डे, मतलब कि जब आप अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को अपग्रेड करोगे ना, तो वहां पे आप काफी आराम से Ryzen के लेटेस्ट प्रोसेसर लगा सकते हो। और Intel जो है ना नए नए प्रोसेसर के सॉकेट लाते रहता है, जिसके कारण थोड़ा सा मेसी हो जाता है अपग्रेड करने के लिए। तो हाँ, ये सारा कुछ आपको समझना है तो वो वीडियो पक्का देख लो, उसके बाद गाइस इस वीडियो को देखना, ज्यादा समझ में आएगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं और सबसे मेन चीज के बारे में बात करते हैं जो कि इसका परफॉर्मेंस। सो गाइस, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, AMD Ryzen में ना आपको 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं और यहां पे आपको 8 थ्रेड्स मिलते हैं। वही कोर i3 में देखिए तो वहां पे आपको 2 कोर देखने को मिल जाते हैं और 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में काफी अच्छे से समझाया था, जहां पे फुल Intel वर्सेस AMD का कंपैरिजन बताया था, उसका लिंक कार्ड पे मिलेगा देखना। वहां पे बताया है कि जितने बेटर आपको थ्रेड्स मिलते हैं, जितने ज्यादा थ्रेड्स मिलते हैं, उतना मल्टीटास्किंग बेटर होता है। तो इस कारण AMD का मल्टीटास्किंग बेटर होता है इन कंपैरिजन टू Intel का। सो गाइस, इसलिए आपको मल्टीटास्किंग में बेटर मिलेगा AMD Ryzen का 3 5300U। बाकी गाइस और भी यहां पे डिफरेंस है जो कि आप देखो आगे चलकर। फ्रीक्वेंसी की बारे में बात करेंगे, बेस फ्रीक्वेंसी जो 2.6 GHz का है Ryzen में, एंड आपको Intel में 1.7 GHz का दिया गया। बट गाइस, सिंगल कोर पे टर्बो बूस्ट का अगर हम लोग देखें तो यहां पे 3.8 GHz है Ryzen 3 का और वहां पे 4.1 GHz है Intel का i3 का। लेकिन गाइस, ये सिंगल कोर का टर्बो बूस्ट था। अब गाइस, यहाँ पे मल्टी कोर, मतलब कि सारे कोर्स को अगर जब टर्बो बूस्ट के यहाँ पे काम में आता है तो वो कितना देता है, तो यहाँ पे आपको 3.6 GHz मिल जाता है Ryzen 3 में, एंड वहाँ पे आपको Intel में 3 GHz ही मिलता है जब सारे कोर्स काम में आते हैं। तो हाँ, टर्बो बूस्ट मल्टी कोर्स में भी Ryzen बेटर निकल कर आता है। और गाइस, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, Ryzen 3 का प्रोसेसर 5300U भी यूज़ कर रखा हूँ, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, और Intel का i3 11th Gen भी यूज़ कर रखा है। एकदम अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको Ryzen 3 5300U में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया मैंने। सो गाइस, अब बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे GPU या फिर ग्राफिक्स के बारे में। सो गाइस, दोनों में ही इंटीग्रेटेड आता है और यहाँ पे Intel अपना पुराना ग्राफिक्स यूज करता है, UHD बहुत ही पुराना है, और यहाँ पे आपको AMD का Radeon वाला मिल जाता है लेटेस्ट देखने को। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट तो मैंने लगा दिए आपके लिए, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हूँ, Intel के कंपैरिजन में AMD Ryzen 3 5300U का GPU परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिल जाता है। जी हाँ गाइस, क्लियरली बता दिया मैंने, ज़्यादा यहाँ पे डाउट होने वाला नहीं आपको, क्योंकि गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 7nm की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और यहाँ पे बेस क्लॉक स्पीड जो है GPU का वो बेटर मिलता है आपको AMD Ryzen 3 5300U वाले प्रोसेसर के अंदर। तो हाँ, आपको परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा। और गाइस, ये सारा कुछ मैंने इन डिटेल डिस्कस किया फुल वीडियो में, जो कि यहाँ पे आपको मिल गया होगा लिंक पहले ही, उसको देख लो, AMD वर्सेस Intel, उसके बाद ये वीडियो देखना, ज़्यादा समझ में आएगा, बार बार कह रहा हूँ मैं। तो हाँ, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि GPU परफॉर्मेंस Ryzen 3 में बेटर मिलेगा। सो गाइस, अब बात करेंगे यहाँ पे मेमोरी के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि Ryzen 3 में ना LPDDR4 RAM लग जाता है और वहाँ पे Intel का i3 11th Gen में LPDDR4X RAM भी लग सकता है। बाकी गाइस, और डिटेल्स के लिए आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट मिल गया होगा आपको, देख सकते हो और समझ सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे गाइस, बात करेंगे एक छोटे से चीज़ में एंड में। तो यहाँ पे थर्मल्स के बारे में बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा कि AMD Ryzen 3 का जो प्रोसेसर या फिर AMD के प्रोसेसर ज़्यादा हीट करते हैं, तो नहीं गाइस, थोड़ा ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा 1-2 डिग्री हीट करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपकी स्क्रीन पे
दिख गया होगा आपको डिटेल्स, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके पढ़ लो। तो यही कुछ आता है इंटेल वर्सेस एएमडी वाले वीडियो में। लेकिन गाइज अब मेरा यहाँ पे कंक्लूजन सुन लो। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूँ, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखिए यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स भी अगर निकाल कर देखे ना, तो ऑन पेपर आपको बेंचमार्क स्कोर्स कई हद तक इंटेल कोर i3 11th gen के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मोस्टली अगर देखे इन कंपैरिजन, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे GPU परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलता है AMD Ryzen 3 में, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे, ठीक है। GPU का परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा Ryzen 3 में। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको मल्टी कोर्स का जो परफॉर्मेंस है मल्टी कोर्स का, वो आपको बेटर देखने को मिलेगा AMD Ryzen 3 में। जी हाँ गाइस, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग भी आपको बेटर मिल जाता है Ryzen के ऊपर, मतलब कि मल्टी टास्किंग में बेटर निकल कर आएगा Ryzen आपका, ये भी अच्छा प्लस पॉइंट है। और गाइस एक और प्लस पॉइंट जो कि आपको एकदम कन्वे कर सकता है AMD Ryzen 3 5300U लेने के लिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइस आपको वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू इंटेल i3 कोर 11 जेन वाला प्रोसेसर। अगर देखिए तो बहुत ही महंगा आता है लैपटॉप्स में, अगर आपने देखा होगा तो नोटिस किया होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको Ryzen 3 5300U में वैल्यू फॉर मनी मिलती है एंड परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगा, अगर आप मेरा कहना मानते हो तो। सो यही कुछ मैं कहने वाला था। अब आप अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा वीडियो। सो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।